क्लासिक्स चैप्टर 26 सिविक्स नेक्स्ट टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायती राज द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर टू पास द लॉ ऑफ द कंस्टिट्यूटिंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज राज्य सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से कानून बनाए गए ताकि पंचायती राज को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दी जा सके द स्टेट गवर्नमेंट हेल्प द पंचायती राज गिवन द फाइनेंशियल ग्रांट्स कैच आउट द प्लान फॉर द विलेज इंप्रूवमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक पंचायती राज को बहुत तरीके से मदद करती है ताकि वो गाँव के लिए इम्प्रूवमेंट कर सके। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट वॉच इसके साथ जो राज्य सरकार होती है पंचायत जो सरकारें होती हैं उस पर बहुत स्ट्रिक्टली नज़र रखती है ताकि वो किस तरह से गांव का विकास कर रही है किस तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है और किस तरह से फंड का यूज़ हो रहा है उस पर भी उनकी नज़र रहती है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं तो द कलेक्टर और डिप्यूटी कमिश्नर लुक देयर वर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर जिले स्तर पर अगर देखा जाए तो जो कलेक्टर होते हैं वो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं कि ज़िले में सही तरीके से काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं किया जा रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रोड बनाना हो या पानी की व्यवस्था करना हो लाइटिंग की हो ये सारे काम स्मूथली रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे इसे भी ध्यान से में रखा जाता है। द डिस्ट्रिक्ट हाउ बट एट द ब्लॉक लेवल द सेम वर्क डन बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और BDO और अगर ब्लॉक लेवल पर हम चले जाते हैं तो इस काम की देख रेख को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करते हैं वो चीज़ को स्ट्रिक्टली वॉच करते हैं कि ब्लॉक लेवल पर सारे काम स्मूथली हो रहे हैं या नहीं। दैट्स इट चैप्टर क्लोज।